हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज दो कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बनाएंगे। उसके लिए देखिएगा, मैंने ये दो कलर की पुरानी चुन्नी ले ली है। पुरानी चुन्नी की मैंने एक एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट ली है। इस तरह से देखिए, मैंने ये एक ब्लैक कलर की चुन्नी ली है और एक येलो कलर की चुन्नी ली है। तो अब हम फंदे डालेंगे। फंदे मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके के, बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान तरीके के फंदे डालूंगी। तो इस तरह से देखिए, हम फंदे डाल लेंगे। इस तरह से एक नोट बनाएंगे। एक नोट हम बना लेंगे यहाँ पर। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। ये मैंने देखिएगा, यहाँ पर चौदह फंदे डाल लिए हैं। दो दो चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह। चौदह फंदे डालने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम से निकालेंगे। इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो आराम से निकालते हैं ऐसे। वरना हमारे फंदों के बीच में गैप आ जाएगा। फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम आराम से बनाएंगे और हम पूरे चौदह फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिएगा, अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जहाँ पर मैंने यहाँ पर चौदह फंदे डाले हैं वहाँ पर आप इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। 18 फंदे से बना लीजिएगा, 20 फंदे से बना लीजिएगा, जितना बड़ा बनाना चाहें उतने ही फंदे आप इसमें डाल लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा ये डोरमेट कैसा लगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर किया कीजिए। इस तरह से देखिएगा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम इस रो को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिएगा ऐसे, ये देखिएगा इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। इधर से भी हम देखिएगा उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतार लेंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, हमने पूरी रो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये देखिएगा, अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ऐड करेंगे। तो सेकंड कलर ऐड करने के लिए देखिएगा, हम यहाँ पर इस तरह से पट्टी को लेंगे ऐसे और दो फंदे ब्लैक कलर से बुन लेंगे। इस तरह से देखिएगा ऐसे,
और पट्टी को पीछे की साइड ले लेंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे। इस तरह से देखिएगा, फर्स्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिएगा, एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, येलो कलर वाला एक फंदा ब्लैक कलर से बुन लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। फर्स्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिएगा, हमने ये दो धारी बना ली हैं, दो धारी हमने येलो कलर से बनाई थी, तो अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। येलो कलर से बुनेंगे, एक दो तीन, एक फंदा हम आगे से येलो कलर का बुन लेंगे इस तरह से, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। एक दो तीन, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हम देखिएगा, एक कलर से हमें चार सिलाई बुननी है, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे इस तरह से, एक दो, इस पट्टी को इस तरह से साथ में लपेट लेंगे, हमारे चार, और एक फंदा आगे से ले लेंगे पांच, और वापस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिएगा, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे। अब देखिएगा, कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और एक फंदा आगे से ले लेंगे छः, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी फंदा कुछ भी चेंज नहीं करना है, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से इस पट्टी को अंदर की साइड लपेट लेंगे, फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छः, एक फंदा आगे से ले लेंगे सात, तो वापस यहीं से पलट लेंगे। एक एक फंदा हमें पीछे से लेते जाना है इस तरह से। देखिएगा, देखिए हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, येलो कलर लगा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः छः, सात, और एक फंदा आगे से ले लेंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर एक फंदा रहने तक सभी फंदों को साथ में लेते हुए चलेंगे, और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ,
और ये नौ, नौ फंदे बुने वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से देखिएगा और सीधी साइड से कोई चेंज नहीं करना है, इसी तरह से जो फंदे हैं वैसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए अब हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक फंदा आगे से ले लेंगे दस, और यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पर एक सीधी साइड से कोई चेंज नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक फंदा आगे से ले लेंगे ग्यारह, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से एक एक फंदा छोड़ते हुए हम एक फंदा रहने तक बनाएंगे। इस एक फंदे को छोड़ेंगे, बाकी सभी फंदे हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से बनाते हुए हमने एक एक करते हुए सभी फंदे यहाँ पर बना लिए हैं। अब देख एक फंदा छोड़ा है हमने लास्ट वाला, इस फंदे को हमने नहीं बना लिया है साथ में। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह फंदे बुनेंगे और ये एक फंदा छोड़ देंगे। और यहाँ पर सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस पट्टी को साथ में इस तरह से लपेट लेंगे। और जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक फंदा छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। अब हमें यहाँ पर पीछे की साइड फंदे छोड़ने हैं, पहले हम इस साइड लेके गए थे फंदों को, अब हम पीछे की साइड एक एक फंदा छोड़ते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह की एक कलर से दो दो धारियाँ बनाते हुए जाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे।
अब देखिएगा येलो कलर लगा लेंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक फंदा छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। उसी साइड से जो फंदे जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे बनाएंगे, एक फंदा छोड़ देंगे और वापस इसे पलट जाएंगे। इस तरह से देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा अब हम ब्लैक कलर लगा लेंगे। फर्स्ट वाला फंदा देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे गुने एक फंदा छोड़ देंगे और वापस से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात फंदे बनाए और एक फंदा छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। सॉरी ये वाला फंदा हम छोड़ेंगे। तो लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बनाएंगे, एक फंदा पीछे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। और यहाँ पर येलो कलर से बना लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा फर्स्ट फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बनेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। एक दो तीन
चार फंदे बुनेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे पीछे और यहीं से पलट जाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस पट्टी को साथ में इस तरह से दबा लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा, अब हम यहाँ पर येलो कलर लगा लेंगे। येलो कलर से हम यहाँ पर सभी फंदे बना लेंगे। लास्ट तक जो हमने एक फंदा छोड़ा था उस फंदे को भी हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, एक एक करके जो जो फंदे छोड़े थे उन फंदों को भी हम साथ में बनाएंगे और ये जो लास्ट का फंदा था जो हमने छोड़ा था इसे भी हम बना लेंगे। और इसी तरह से देखिएगा, इधर से भी हम फर्स्ट फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट तक इस तरह से बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर फिर से देखिएगा, हम इस रो को फर्स्ट फंदा उतारेंगे और सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब शुरू में हमने यहाँ पर चार सिलाई बनाई थी तो इसी तरह से दो दो का हम दो दो धारी बनाते हुए, यानी चार चार सिलाइयों में हमारा ये जो है डिजाइन बनता आएगा और इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। जिस तरह से हमने इस पट्टी को बनाया है इस तरह की हम यहाँ पर तीन पट्टी और बना लेंगे। जैसे इस पट्टी को बनाया है बिल्कुल उसी तरह की हम यहाँ पर तीन पट्टी और बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, इस तरह की ही हम यहाँ पर तीन पट्टी और ऐसे ही बनाएंगे। इस सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे और ऐसे ही हम तीन पट्टी बनाएंगे। तीन पट्टी बनाने के बाद फाइनल लुक में मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा बन के आया है।